आज ईद का त्यौहार है, लेकिन कोरोना काल का असर इस त्यौहार पर भी साफ देखा जा सकता है। इस वक्त हम मौजूद हैं भागलपुर के तातारपुर चौक पर और आपको हम मस्जिद दिखाते हैं तातारपुर की कि इस मस्जिद में ईद की नमाज़ में हज़ारों की संख्या में लोगों की भीड़ हुआ करती थी। लोग सामूहिक रूप से नमाज अदा करते थे, सड़क पर भी नमाजियों की काफ़ी भीड़ होती थी। लेकिन आज जो कोरोना काल जो चल रहा है, वैश्विक महामारी कोरोना जो है, तो उसका इम्पैक्ट यहाँ पर पर्व त्यौहार पर भी दिख रहा है। साथ ही अगर बात करें सुरक्षा की, तो सुरक्षा की देख सकते हैं जिला प्रशासन की ओर से, पुलिस प्रशासन की ओर से चाक चौबंद व्यवस्था की गई है और ईद को लेकर के विशेष निगरानी बरती जा रही है, सतर्कता बरती जा रही है। एसएसपी आशीष भारती के निर्देश पर सभी थाने की पुलिस अपने अपने क्षेत्र में जो धार्मिक स्थल है, जहाँ मस्जिद है, खानका है, वहाँ पर विशेष चौकसी कर रहे हैं। हम आपको दूसरे जगह की ईदगाह की भी तस्वीर दिखाएंगे कि ईद में उस ईदगाह कैसा दिख रहा है और जो अल्पसंख्यक मोहल्ले हैं उसकी तस्वीर क्या है। चलिए अब हम पहुंच चुके हैं भागलपुर के नाथनगर सीटीएस मैदान में और हम आपको यहां से तस्वीर दिखाएंगे कि कनगढ़ मैदान की क्या तस्वीर है। और तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं कि सन्नाटा पसरा हुआ है, पूरे मैदान में एक भी नमाजी नहीं है। और जब यहां पर ईद और बकरीद की नमाज होती थी तो 15 से 20 हज़ार की संख्या में लोग यहाँ पर नाथनगर के विभिन्न मोहल्ले और चंपानगर के विभिन्न क्षेत्रों से आते थे। खचाखच यह मैदान नमाजियों से भरा रहता था, सामूहिक रूप से नमाज यहाँ पर होती थी। लेकिन कोरोना काल में, कोरोना संकट के बीच आप देख सकते हैं कि यह मैदान पूरी तरह से वीरान है, सन्नाटा पसरा हुआ है। हालांकि ईद की नमाज लोग पढ़ रहे हैं लेकिन अपने घरों में अदा कर रहे हैं और ईद की नमाज के बदले में शुक्राना की नमाज लोग घरों में अदा कर रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन के द्वारा भी सामूहिक रूप से नमाज को लेकर के गाइडलाइंस जारी किया गया था और उसमें कहा गया था कि जो नमाज है वो खानकाहों में, इबादत गाहों में और मस्जिद में सामूहिक रूप से नहीं होगी। इसके साथ ही जो धार्मिक गुरु हैं उन्होंने भी ऐलान किया कि अपने अपने घरों में ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नमाज पढ़ें और उसका इम्पैक्ट यहाँ पर साफ देखा जा सकता है। आज ईद-उल-फित्र है और हम इस वक्त मौजूद है साजंगी ईदगाह के समीप। हम आपको दिखाते हैं तस्वीर की कोरोना काल के कारण, कोरोना संकट के कारण जो ईदगाह है उसमें भी ताला लगा हुआ है और पूर्ण प्रतिबंध लोगों के प्रवेश पर लगा दिया गया है और सामूहिक रूप से यहाँ भी नमाज नहीं हुई है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। साजंगी ईदगाह का जो इतिहास है वह काफ़ी पुराना इतिहास है और इसके इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब यहाँ ईद के मौके पर सामूहिक रूप से नमाज नहीं हो रही है। हालांकि नमाज हुई है लेकिन सामूहिक रूप से नमाज नहीं हुई है। और हम आपको तस्वीर दिखाते हैं साजंगी ईदगाह मैदान के आसपास की कि आप देख सकते हैं आज ईद है, यहाँ पर मेला लगता था, काफ़ी चहल पहल होती थी। छोटे छोटे बच्चे खिलौने की खरीदारी करते थे, कई प्रकार की यहाँ पर दुकानें सजती थी। लेकिन जो लोग हैं, अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र यह माना जाता है, मुस्लिम समुदाय का यह गढ़ मोहल्ला माना जाता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि ईद का आज दिन है और किस तरह से इक्का दुक्का लोग कहीं कहीं पर खड़े हुए हैं और वह भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए। और इस पूरे इलाके में जो ईद की खुशियाँ मनाई जाती थी, जिस तरह से ईद का बाजार सस्ता था, मेला लगता था, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। और जिला प्रशासन के गाइडलाइंस का यहाँ के जो जिम्मेदार हैं, जो ईदगाह समिति से जुड़े लोग हैं, उन्होंने पालन किया है। असामूहिक नमाज यहाँ पर नहीं हुई है। शांति, भाईचारा और मोहब्बत का पैगाम देने वाला ईद उल फित्र देश भर में हर्षो उल्लास के साथ मनाया जा रहा है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोग ईद मना रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं भागलपुर के बरहपुरा ईदगाह में और हम आपको ईदगाह की तस्वीर दिखा रहे हैं कि जब ईद की यहाँ पर नमाज होती थी, बकरीद की नमाज होती थी, तो हज़ारों की संख्या में लोगों की भीड़ होती थी। लोगों का हुजूम ईदगाह की ओर उमड़ता था और लोग ईदगाह में आते थे। इस बरहपुरा ईदगाह में हज़ारों की संख्या में लोग नमाज अदा करते थे सामूहिक रूप से। लेकिन लॉकडाउन का यह प्रभाव है, इम्पैक्ट है कि यहाँ सामूहिक नमाज नहीं हुई है और लोग अपने अपने घरों में ही ईद की खुशियाँ मना रहे हैं। हालाँकि लॉकडाउन के कारण ईद की खुशी कुछ फीकी ज़रूर हुई है। और लेकिन लोग सोशल साइट्स के माध्यम से सोशल मीडिया का प्रयोग करके एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं और इस लॉकडाउन में जो ईद पड़ा है इसके कारण लोग एक दूसरे के घर भी नहीं आ रहे। हम आपको पूरा ईदगाह की तस्वीर दिखाते हैं कि यहाँ पर जब ईदगाह में ईद के दिन काफ़ी संख्या में दुकानें लगती थी, मेले जैसा माहौल रहता था, छोटे छोटे बच्चे आते थे, लेकिन पूरा ईदगाह मैदान आप देख सकते हैं कि किस तरह से सुनना पड़ा है और लोग अपने अपने घरों में ही हैं और ईद की खुशी मना रहे हैं। साथ ही साथ देश में कोरोना वायरस का संक्रमण ना फैले इसके लिए भी ईद में लोगों ने नमाज़ पढ़ी और नमाज के बाद जो दुआ की तो दुआ में देश की तरक्की के लिए देश की उन्नति के लिए लोगों ने दुआएं मांगी। हम भी आपसे अपील करते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और सरकारी दिशा निर्देश का पालन करें। सिल्क टीवी परिवार की ओर से आप सभी दर्शकों को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सुमित के साथ सैयद इनामुद्दीन, सिल्क टीवी भागलपुर। भैया जैसा कि ऐलान था तमाम उलेमाए किराम का, मुफ्तियान किराम का कि लॉकडाउन के सिलसिले से जो हिदायत है हुकूमत वक्त की उसका हम लोग पूरा ख्याल करें और मस्जिद में जैसे नमाज हमेशा होती आई है, ईद की, बकरीद की, जुमातुल विदा की या पंच वक्ता जो होती थी वो उस तरह से हमें अदा नहीं करना है, तो उसका एहतमाम किया लोगों ने बहुत और सब ने छोटी छोटी नमाज़ें अपने मतलब छोटी जमात की सिर्फ अपने घर में चंद लोगों के साथ नमाज़ पढ़ ली और अल्लाह ताला कबूल फरमाए। हमें तो बड़ा यानी मेरे होश में जहाँ तक मेरा होश है उस वक्त से लेके आज तक या अपने बड़ों से अपने सीनियर से मैंने जो सुना कि ये ऐसी ईद और ऐसा वक्त इससे पहले तो कभी नहीं गुजरा कि नमाज जो है मस्जिदें खाली रहीं और मस्जिदों में ताले लगे रहे और मस्जिदों में 4 आदमी 5 आदमी 6 आदमी इन लोगों ने नमाज़ें अदा की हैं। और मैं ईद की इस पुरमसरत और पुरमुबारक मौके पर सभी लोगों ने इसकी भी इस्तदवा किया था उलमा मुफ्तियान ने और हम सभी लोगों ने कि कोरोना वायरस से अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए, देश की या पूरे दुनिया की हिफाजत फरमाए। ईदुल्फ़ितर खुशियों का पैगाम लेकर सारी दुनिया में अहले ईमान के लिए और तमाम लोगों के लिए पैगाम लाया है। इस मरतबा चूँकि लॉकडाउन है और कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया में ऐसी वबा फैली हुई है जिसकी वजह से सरकारों के ज़रिए एक दिशा निर्देश दिया गया है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करके नमाज की अदायगी करें। लिहाजा मुसलमानों ने घरों में एहतमाम से 5-6 लोग 7 लोग मिलकर जमात की या मस्जिद में 5-6 लोगों ने मिलकर जमात से नमाज अदा की। एक तरफ जहां ईद के मिलने की खुशी है, इस बात का अफसोस भी है कि जहां बड़ी तादाद में एक मजहबी इज्तिमा होता था वो नहीं हो पाया, लेकिन हम सब ने देश हित में मिलकर लॉकडाउन का पालन किया है ताकि इस महामारी का पूरी तरह से बचाव किया जा सके। साथ ही नमाज के बाद तमाम लोगों ने देश की सलामती के लिए, देश की उन्नति के लिए और ख़ास तौर पर इस बीमारी से हिफाजत के लिए दुआएं की हैं। हम भी दुआ करते हैं अल्लाह ताला इस मौलिक वबा से, मरज़ से पूरे तमाम देश के लोगों को और दुनिया के लोगों को महफूज रखे। मुझे लगता है कि जब से इस्लाम का हिस्ट्री 1400 साल का है तो इस 1400 साल में पहली बार हम लोग, और मुझे लगता है मैंने बहुत सारे लोग से पता किया है कि ये 1400 साल में इस्लाम के हिस्ट्री में ये पहली बार ऐसा हुआ है। और इसमें हमारे उलमा लोगों ने बताया है कि अगर इस टाइप का कोई महामारी हो, इस टाइप का किसी तरह का यानी कि बीमारी पूरे मुल्क में यानी पूरे संसार में अगर फैले तो जो डॉक्टर बोले उस पर अमल करें और एक दूसरे से मिले ने जो भी यानी कि उलमा बोले और जो डॉक्टर बोले उस पे अमल करें और एक दूसरे से मिले नहीं और जो वो लोग राय दें उसी पे अमल करें। नमाज घर में पढ़ें, ईद को घर में मनाएं, जिसको विश करना है वो अपने मोबाइल से विश करें, एक दूसरे से दूरी बना के रखें, क्योंकि ये जो कोरोना वायरस है यानी कि एक दूसरे से मिलने से, हाथ मिलाने से मिलता है यानी होता है। इसलिए ये जो ईद है हम लोग अपने घर में ही मना रहे हैं और घर से ही सब लोग को मोबाइल पे सब लोग को मुबारकबाद दे रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि सब लोग अपने घर में ही रहेंगे, एक दूसरे जगह एक अपने रिश्तेदार में नहीं जाएं, अपने घर से ही विश कर दें। और मैं पूरे भागलपुर वालों को और पूरे हिंदुस्तान वालों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। जी, हम लोग जो है मतलब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नमाज जो है ईदगाह में नहीं पढ़ें। हम लोग अपने अपने घर में दो रकात शुक्राना अदा किए हैं। और ये बहुत पुराना इतिहास था, यहाँ पर बहुत सारा मेला लगता था जो आप लोग जानते हैं, चल पल हमेशा रहता था। अब अल्लाह के करम से हम लोग घर में ही नमाज़ पढ़ रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। जो प्रधानमंत्री का और अपने ही बेहतरी के लिए तो हम लोग घर में ही नमाज़ पढ़ रहे हैं। कोरोना की महामारी की वजह से हम लोग अपने घर ही में नमाज़ पढ़ रहे हैं। हम लोग जब से पैदा हुए हैं, जब से होश संभाले तो बब से देख रहे हैं ईदगाह में नमाज़ होती थी और हम लोग पढ़ते थे। हाबरी कोरोना महामारी की वजह से हम लोग घर में नमाज अदा करना पड़ा। इस काम में बहुत अफसोस है और हम कानून का उल्लंघन नहीं करना चाहते हैं। ईद मुबारक हो। आप सभी को ईद घर में मनानी चाहिए क्योंकि अभी कोरोना वायरस चल रहा है, बाहर ना निकले।